न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास सेवेंथ चैप्टर टेन एक्सपोर्ट क्वालिटी कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी दिस एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम द नावल अमृतवेला बाय लीना ढेंगरा ये जो पार्ट है वो एक नावल का हिस्सा है जो हमारे बुक में दिया है जिसका नाम है नावल का नाम है अमृतवेला और वो लिखा है लीना ढींगरा जी ने

we find फाइंड आउट what मीरा thinks अबाउट द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ a शॉपिंग ट्रिप इन इंडिया एंड हर व्यूज़ अबाउट द सिस्टम शी इज़ नॉट used to. तो यहाँ पे मीरा का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है इंडिया के बारे में वो और उसके व्यूज़ जो हैं वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए गए हैं यहाँ पर जो मेरा है वो बताया गया है कि वो पहले बाहर रह रही है और बचपन उसने इंडिया में गुजारा है इसके बाद वो बच काफ़ी टाइम पहले इंग्लैंड चली गई वहाँ पे उसने नॉन इंडियन से शादी कर ली और उसकी एक बेबी है छोटी जिसका नाम है माया और इन्हीं सभी के बारे में और यहाँ के शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया गया है जिसमें उसने हमारे यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर और कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटे छोटे बिजनेस जो डायरेक्ट शॉप्स रहते हैं उनको कंपेयर किया है और उन्हीं के बारे में उसने काफ़ी सुंदर एक्सप्रेस किया है द कंपेरिजन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर कॉटेज इंडस्ट्री यानी जो बिजनेस डायरेक्ट एक एक शॉप रहते हैं दैट इज़ अ काटेज इंडस्ट्री के लिए बोला गया है स्मॉल बिजनेस के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर यानी मॉल के लिए बोला गया है जिसमें सभी चीज़ें एक जगह अवेलेबल रहती है एक ही छत के नीचे बहुत बड़े rules, systems, बहुत बड़े वहाँ के रूल्स सिस्टम्स बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बताया है मेक्स मी स्माइली मीरा जो है वो उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रही है और उसको सोच सोच के उसको बहुत उसके चेहरे पे एक टाइप की स्माइल आ रही है फिक्स प्राइस हाँ चीज़ें फिक्स होना प्राइसेस फिक्स होना सेक्शन फॉर दिस एंड दैट हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह होना जिसको बोलेंगे हम सेक्शंस मे बी ये सब चीज़ें बट सिमिलरिटी एंड देयर और उनकी जो सोच है वो अपनी सोच बता रही है कि इन चीज़ों के अलावा कोई भी सिमिलरिटी शायद नहीं है एंड द इनिशियल इम्पैक्ट हाँ एक और चीज़ है वो है इनिशियल इम्पैक्ट इनिशियल इम्पैक्ट यानी जाते बराबर पहला जो दिखाई देने पे जो अपना इम्प्रेशन पड़ता है दैट इज़ इनिशियल इम्पैक्ट इज़ मोर लाइक इंटरिंग द अलादीन केव जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ हमको ऐसे महसूस होता है कि हम जैसे अलादीन की केव में जा रहे हैं जहाँ पे जैसे जो चाहे वो मिल जाए जैसे चाहे वो मिल जाए इस तरीके का इनिशियल इम्पैक्ट होता है एंड देन द एफिशिएंसी यानी प्रॉपरली ट्रेनिंग दी हुई लोगों की और जान बुझ करके दिखाई स्टोर इन सब चीजों को उस वो अपने मन में सोच सोच के मुस्कुरा रही है द एंट्रेंस लॉबी एंट्रेंस लॉबी का मतलब होता है जैसे हम एंटर करते हैं तो सामने का जो एरिया होता है जिसको हम कॉरिडोर या एक स्पेस बोल सकते हैं उसको लॉबी बोला जाता है जिसको प्रॉपरली डेकोरेट किया हुआ रहता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उसके लिए वर्ड है एंट्रेंस लॉबी इन कीपिंग विथ द प्रिवेलिंग स्प्रिट ऑफ द वेडिंग सीजन अब हम किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं एंट्रेंस लॉबी के बारे में और दिमाग में हमने क्या रखा हुआ है कि अगर एक आसपास में वेडिंग सीजन है शादी का सीजन है तो जो एंट्रेंस लॉबी है उसको लुक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इज़ एन ऑस्टेंटिशियस डिस्प्ले ऑफ़ गोल्ड एंड ग्लिटर ऑस्टेंटिशियस यानी वेल्थ और कलर डेकोरेट ब्राइटनेस इस तरीके से हम बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्ले ऑफ गो ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी ऑस्टेंटिशियस यानी बहुत अच्छा डिस्प्ले वेल्थ और लग्जरी का किया हुआ है ऑफ़ गोल्ड ग्लिटर चमकीली चीज़ें गोल्डन चीज़ों का कलर वहाँ पे अलग अलग जो डिफरेंट कलर्स हैं जो शादी के सीजन में डिफरेंट कलर्स लोग पहनते हैं वो क्राफ्ट्समैनशिप यानी अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स का काम किया हुआ इसके अलावा अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड न्यू पास्ट एंड प्रेजेंट और पुरानी और नई नई सभ्यता जो है उसके अलग अलग जो डिज़ाइंस हैं अलग अलग जो डेकोर है वो पास्ट से ली हुई और जो प्रेजेंट में नई नई आई है वो ये सब कुछ जो है वो एंट्रेंस लॉबी पे दिखाया गया है एलैबरेट वेडिंग साड़ीज इसके अलावा बहुत फैली हुई ऐसे शादी की साड़ियाँ और जो उनके कलर हैं वो है रेड और डीप पिंक एंड ऑर्ट एंटिक प्लानिक्यून एक बहुत पुराना सा जैसे पुराने जमाने में जो पल प्लानिक्यून यानी डोली डोली में नहीं जैसे दुल्हन को उठाते हैं वैसे हाइडिंग उसके अंदर है छुपी हुई एक व्हील्ड कुछ ऐसे कप, कपड़ा जैसे बोल सकते हैं या कुछ एंड उसको सजाया हुआ है एक बहुत सुंदर से सजाई हुई ब्राइड उस प्लेनिक्यून में अ डेलिकेटली पेंटेड वुडन हॉर्स एक सामने घोड़ा है जिसको बहुत सुंदरता से पेंट किया हुआ है उसके ऊपर एक एम्ब्रायडेड सैडल बियरिंग अ्वेल्ड ब्रोकेड ग्रूम उसके ऊपर एक पुतला बैठाया गया है लड़के का जिसको बहुत सुंदर से अच्छे से कपड़े और बहुत प्रॉपर ज्वेलरी पहना के दूल्हा बना के रेडी किया गया है तो ये सब वेडिंग सीजन में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अपीरियंस होता है उसे यहाँ बताया गया है ब्रॉस पॉट अब ब्रॉस बने हुए ब्रॉस एक मेटल का नाम है उसके बने हुए पॉट्स कार्व्ट वुडन चेज टेस्ट, क्वार्ट यानी उस पर कार्विंग की हुई कार्विंग यानी एक तरी कार्विंग की हुई वुडन लकड़ी पे जो कार्विंग होती है अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है उसको बोलते हैं कार्विंग चेस्ट मतलब अलमारियाँ एंड मोर कॉस्ट्यूम्स और बहुत सारे कॉस्ट्यूम हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशंस यानी वहाँ पे जो सस्पेंडेड एनिमेशंस के लिए बोलेंगे तो सस्पेंडेड एनिमेशन यानी एज इफ अबाउट टू कम टू लाइफ ऐसी चीज़ें बनी हुई है जैसे एकदम अगर उसको सामने दूर से देखा जाए तो ऐसे लगेगा जैसे वो अभी के अभी जिंदा हो जाएंगे बहुत अच्छे सुंदर कॉस्ट्यूम्स इस तरीके से सजे हुए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं द शॉप इज़ सेट ऑन थ्री फ्लोर्स और ये सब जिसके बारे में डिस्क्राइब हो रहा है वो एक शॉप है जो तीन फ्लोर में बना हुआ है उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं हर चीज के स्पेशिय स्पेशली spaciously laid out in the men through fair disappear at the इन into two labyrinth revealing far from Kashmir और वहाँ पर स्पेशियसलीड इन्हें हर चीज़ को properly संभाल के रखा गया है इस तरीके से जैसे किसी fair में या किसी एक जगह पर मेलों में या कहीं और जगहों पर रखा जाता है disappear at the और इस तरीके से रखा हुआ है कि बीच बीच में सोच दूसरे सेक्शन में जाने की जो जगह है वो भी दिखाई नहीं दे रही है जैसे लैब्रियंत बन जाता है जैसे भूल भुलैया रहता है जिसमें हमको पता नहीं रहता कि हमको कहाँ से पलटना है उस तरीके का एक लुक है रिवीलिंग फर फ्रॉम द कश्मीर और उस उन सब को ढूंढते हुए अगर हम आने जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं लेबरियंथ यानी है जैसे एक शॉप में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए छोटी छोटी एरी गलियां बनी रहती है वो इस तरीके से सामान ढका हुआ है कि वो भी हमको दिखाई नहीं दे रही है और भूल भुलैया जैसा एपीरियंस आ गया है रिवीलिंग फर्स्ट फ्रॉम द कश्मीर और वहाँ पे जो फर्स दिखाई दे रहा है वो कश्मीर से है सिल्क फ्रॉम मद्रास सिल्क जो है वो मद्रास का है सैंडलवुड जो है वो मैसूर की है रोजवुड आइवरी ये सब जो है रोजवुड है आयवरी ज्वेलरी ये सब जो हैं चीज़ें अलग अलग जगहों की हैं क्लॉथ अलग अलग टाइप के कपड़े कलर्स मेड इन टू द बैग्स क्लॉथ और कलर्स अलग अलग कलर के बने हुए बैग्स बॉक्सेस बेड कवर्स कारपेट्स और क्लोथ्स और निक नैक एंड मच मोर यानी बहुत सारी चीज़ें य के लिए जो बोला गया है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की चीजें वहाँ पे जमा की हुई है आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया वहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट है जो आर्ट दिखाई दे रहा है जो क्राफ्ट दिखाई दे रहा है वो पूरी इंडिया के हर कोने का नजर आ रहा है लेंथ और ब्रेथ ऑफ इंडिया ने इंडिया के हर कोने और हर जगह का कवर किया हुआ महसूस हो रहा है ऑल गैदर टुगेदर इन स्टनिंग स्पलेंडर और सब इस तरीके से जमा है कि उसकी ग्रेटनेस और ब्राइटनेस जो है वो देखते ही बन रही है एंड ऑल सीमिंग टू से और इन सब को देख के हम आज भी बोल सकते हैं कि दिल्ली जो है जहाँ पे ये शॉपिंग कर रही है मीरा वो स्टिल रूल्स एज अम्पीरियल कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो आज भी वही पोजीशन शाही पोजीशन रखती है दिल्ली जैसे कि पहले रखा करती थी इंडिपेंडेंट इंडिया का भी एक शाही कैपिटल है वो है दिल्ली अब ये जो पिक दिखाया गया है वो इस तरीके से जैसे ये घोड़े बने हुए ये ब्रॉस के पॉट हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं डेकोर की हुई ये जो है वो कॉरिडोर का पिक्चर दिखाया गया है कि जो सामने जो एरिया है उसके जो कुछ चीज़ों को दर्शाया गया है इस पिक्चर में और ये जो मीरा है वो शॉपिंग के लिए इस प्लेस पे आई हुई है I strolled down the aisles in and out of the labyrinth. मैं चलते जा रही थी आगे बढ़ते जा रही थी एसल मतलब पाथ रास्ते जो छोटे छोटे रास्ते बने हुए थे उस भूल भुलैया जैसे एरियाज़ में वो जो पूरे सामान से ढकी हुई जगह है वहाँ पे टचिंग लुकिंग उन सब चीज़ों को टच करते जा रही थी जो रास्ते पे है उनको अच्छे से देखते जा रही थी उस वक्त जो मेरा दिमाग है उसमें अलग अलग टाइप के थॉट्स अलग अलग टाइप के प्लान रेमिनिसेंस यानी पुरानी यादें पुरानी बातें हर एक चीज मैंने दिमाग को याद करने की कोशिश कर रहा था रेमिनिसेंस मीनस एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग पुरानी चीज़ों को याद कर रहा था मेरा माइंड पास्ट की प्रेजेंट की फ्यूचर की सभी कुछ इमेजेस मेरे दिमाग में आ रही थी ये मीरा के सेंटेंसेस हैं कलर साउंड इवन स्मेल जो स्मेल ऑफ सेंडलवुड की है जो विजिटिंग कार्ड्स में से थी व्हाट अ लवली आइडिया मुझे एकदम से आइडिया है कि क्यों न मैं एक विजिटिंग कार्ड परचेस करूँ फॉर मार्टिन आई स्ट्रोल डाउन द एसल्स इन एंड आउट ऑफ द लेबरेंथ टचिंग लुकिंग माई माइंड क्राउडिंग विद्स प्लान्स रेमिनेसेंस पास प्रेजेंट फ्यूचर इमेजेस कलर साउंड स्मेल संदन विजिटिंग कार्ड व्हाट अ लवली आइडिया कुड गेट देम फ्रॉम मार्टिन नो समथिंग मोर यूजफुल मे बी आई सपोज आई कुड गेट दैम फॉर मी बट दैन वॉट एड्रेस वै पुट ऑन दैम लेटर मे बी अब यहाँ पर पूरा वो रास्ते पाथ जो शॉप में जो रास्ते थे लाइब्रेन में उसको क्रॉस करती हुई चलते हुए दिमाग में अलग अलग बातें सोचती हुई पुरानी नई फ्यूचर की इमेज की कलर्स साउंड इवन उसको स्मेल भी पुरानी से महसूस हुई संदलवुड की विजिटिंग कार्ड की फिर उसको दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या मैं मार्टिन के लिए कार्ड ख़रीदूँ नो no. फिर उसे लगा नहीं कुछ यूजफुल चीज़ ख़रीदनी चाहिए आई सपोज आई कुछ गेट दम फॉर मी मुझे भी लगा उसे फिर ये लगा मीरा को कि मैं अपने लिए एक कार्ड खरीद लेती हूँ पर उस पर मैं एड्रेस क्या लिखूँगी फिर उसने सोचा मैं ये सब बाद में सोचूंगी फिर उसे अचानक अपनी बेटी भी याद आई एंड माया माई लिटिल माया बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग उस सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं उसके लिए बहुत कुछ परचेस करूँ लॉट्स ऑफ थिंग बहुत छोटी छोटी सी छोटी छोटी सी चीज़ें और हर एक को एक पैकेट में पैक कराऊँ जैसे उसके पास बहुत सारे पैकेट्स हों ओपन करने के लिए सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन एंड येस शी वुड लाइक दैट हाँ उसे यह पसंद भी आएगा पर क्या क्या लूँ उसके लिए गोश वॉट अक्स फिर अचानक ही उसकी नज़र एक बॉक्स पे पड़ी उसने बोला क्या तो ये बॉक्स है यस yes, ये एक बॉक्स है ये बॉक्स ही मुझे उसके लिए लेना चाहिए माया के लिए एंड कुड गेट हर अ बॉक्स उसके लिए भी मैं बॉक्स लूँ और उसको पूरी तरह के से बैंगल से भर दूँ सी यस डेट्स अ गुड आइडिया फिर उसे अपनी आइडिया बहुत पसंद आई नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉक्स किस तरीके का बॉक्स खरीदूँ इन इन लेट बॉक्स एक अंदर से बंद लगा हुआ बॉक्स क्या सैंडलवुड से बने हुए बॉक्स को या लेक्वाइड बॉक्स लेक्वेडन एक टाइप का बॉक्स होता है जिसमें आ, पेंटिंग जैसे किया हुआ पेंट किया हुआ लेदर का बॉक्स चमड़े से बना हुआ या किसी कपड़े से बना हुआ या कुछ कार्विंग किया हुआ बॉक्स ये सब उसके दिमाग में चल रहा था और उसमें अलग अलग सॉर्ट्स के अलग अलग तरीके के बैंगल्स परचेस करूँ जैसे सिल्वर के ब्रॉस के बने हुए एनिमल एनिमल किया हुआ चमकीले चमकीलेक् बोन के बने हुए बीडेड जिस पर मोती लगे हों या फिर ग्लास के इस तरीके से सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी और ये सब वो अपनी बेटी के लिए परचेस करना चाहती थी बैंगल्स हीयर बी बीडेड ग्लास बैंगल्स अप स्टेस उसको पूछा तो उसने बोला कहाँ तो बोले अपस्टर्स अरे ऊपर हैं अपस्टर्स ऊपर लेट्स सी चलो चल के देखते हैं बैंगल्स फर्स्ट सबसे पहले बैंगल्स ही परचेस करूँगी ओ माई गुडनेस उसको देख के उससे बहुत खुशी हुई उसे बहुत क्या तो बढ़िया है दीज लिटिल ब्रॉकेट पर्स उस रास्ते पे बहुत सुंदर ब्रॉकेट रहने से उभरे हुए हैंड मेड हाथ से बने हुए बहुत सुंदर पर्स शी वुड लव उसको लगा कि माया इन पर्स को भी बहुत पसंद करेगी वन ऑफ दोज एक मैं ले लेती हूँ मस्ट गेट वन और टू और मे बी फिर उसके दिमाग में चलने लगा एक खरीदूँ दो खरीदूँ कि कितने खरीदूँ दैट मैंगो मोटिव यानी ऐसे मैंग अम्बड़ी जिसको बोलते हैं आम की बनी हुई मोटिव यानी क्रिएटिविटी जो बहुत सालों से इंडिया में की जाती है इस तरीके की क्रिएटिविटी ऐसे बने हुए रहते हैं उस तरीके के वेरी ओल्ड बहुत पुराने मैंगो मोटिवस ऑन द फ्रैगमेंट कुछ हिस्सों पर कुछ टुकड़ों पर बने हुए हैं एट द वी एंड ए वी एन ए V&A फॉर वी एन ए का मतलब होता है द विक्टोरिया एंड अल्बेट म्यूजियम इन लंडन में भी ये उसने देखे डिड वी एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इजिप्त और फिर उसके दिमाग में आया कि क्या हम जो इंडियंस हैं वो अपने कपड़ों को इजिप्त में भी पहले एक्सपोर्ट किया करते थे बहुत टाइम पहले कई सालों पहले वुड हैव डन क्या हम ये करते थे आई सपोज उसे लगा मस गो एंड चेक विथ वी एन फिर उसके दिमाग में ये आया कि चलो ये भी जाके चेक करना पड़ेगा यू वॉन्ट these? उसी वक्त शॉपकीपर ने उसे देख लिया और उनसे पर्स को देखते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या आपको ये पर्स चाहिए तो शॉप कीपर ने उससे पूछा कि क्या आपको ये पर्स चाहिए तो उसमें मीरा ने बोला येस हाँ चाहिए शी गैदर्स ऑफ द ब्रोकेट उसने बहुत सारे ब्रोकेट पर्स काफ़ी जमा किए पर्सेज आई हैव कलेक्टेड मैंने काफ़ी पर्सेज अच्छे अच्छे जो मुझे पसंद आए वो उसने कलेक्ट गें। कर दिए काउंट आउट ऑफ इट टोटल नाइन फिर उसने काउंट किया तो टोटल नाइन थे और उन सब को काउंटर पे रख दिया आई फम्बल फॉर माई पर्स और मैं जो है फंबल ने जैसे बहुत पुराना सा जो मेरा पर्स था और मैं वंडर कर रही थी हाउ ओल्ड द ओल्डेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ उस पर्स पे देखा उसने कैसे तो पुराना पीस ऑफ क्लॉथ इन द वर्ल्ड यानी वो जो डिज़ाइंस थी वो इतनी पुरानी थी जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी वैसे वेर इट इज़ एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनी वे कैसे इन इन सब चीजों की एज के बारे में श्योर हो सकता है मी में बिल और उसी वक्त किसी ने उसे बिल पकड़ाया हाथ दिया पकड़ायाप दर्सेस प्लीज और जो यस प्लीज पे एट कैश डेक अप स्टेयर मी एक जो वहां पे काउंटर पे लड़की होगी कोई उसी ने बोला कि आप ये बिल ले लीजिए और जाके ऊपर अपस्टेयर्स चले जाइए और वहां जाके ये बिल पे कर दीजिए आई क्लाइम दिस चेयर्स और मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई ट्राइंग टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द फैबल्ड क्लाथ क्लॉथ ऑफ ओल्ड और उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए मेरे दिमाग उस मेरा के दिमाग में कई बातें चल रही थी उसे एक पुराना सा फेमस क्लॉथ मुस्लिन क्लॉथ बहुत अच्छा क्लॉथ याद आया विच वॉज वेरी वाइड जो बहुत बढ़िया बहुत लॉन्ग रहता था लम्बा चौड़ा कपड़ा रहता था लेकिन वो इतना सॉफ्ट रहता था इतना फाइन एनफ रहता था कि अगर एक अंगूठी पर से भी उसको पास किया जाए छोटी छोटी उंगली की अंगूठी जो होती है लिटिल फिंगर की अंगूठी उसमें से भी वो पास हो सकता था वो इतना मुलायम और इतना अच्छा क्लॉथ था एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे देश पे राज किया करती थी इंग्लैंड की लंडन की तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने उन वीवर्स के जिन्होंने ऐसा कपड़ा बनाया था ऐसा फाइन क्लॉथ बनाया था उन व्यूवर्स के अंगूठे को काट दिया था हाउ गैस्टली कितना रूडली कितना गलत बात है ये ये सब बातें मेरा के दिमाग में चल रही थी डू यू हैव सेवन पैसा चेंज जब वो बिल पे कर रही थी सेवनटी पैसा चेंज उनसे पूछा गया कि आपके पास सेवनटी पैसे चेंज हैं ये कैशियर ने पूछा लेकिन जैसे ही मैंने कैशियर की तरफ ऑब्जर्व किया काउंटिंग नोट जो कोड नोट गिन रहा था तो आई शेक माई हेड मैंने अपने सर को हिलाया क्यों ये लाइन है जिस लाइन में मीरा खड़ी है और सब बातें उसके दिमाग में जिस वक्त चल रही है ये दिस इज सीन ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर वो जो कैशियर था उसके हाथ में भी अंगूठा मिसिंग था जिसकी वजह से वो देख के मेरा हैरान रह गया और उसने सर हिलाया फिर उससे मिला नेवर माइंड ही स्माइल्स एंड ही स्माइल्स एज ही हैंड्स मी द दर्टी पैसा एंड स्टैम्प उस टाइम पर उसने सर हिला दिया कि नहीं मेरे पास सेवेंटी पैसे नहीं हैं और उस कैशियर ने स्माइल करते हुए कहा कि ठीक है कोई बात नहीं ये लीजिए थर्टी पैसा दे दिए और स्टैम्प दिए तो उसमें मैंने पूछा बट दीज आर ये क्या है वट डू आई डू मैं साथ क्या करूं दे उन्होंने बोला आई कैन सी देर स्टैम्पेटली मैंने बोला हाँ मैं देख सकती हूँ ये स्टैम्प है मैंने थोड़ा इरीटेट होकर कहा परेशान होते हुए कहा गुड ही रिटर्न और उसने ऐसा स्माइल करते हुए बोला गुड यू मे नाउ कलेक्ट यूर पार्सल डिलीवरी काउंटर डाउन स्टेस नीचे जहां काउंटर है वहां से जा तुम अपना आप अपना पार्सल कलेक्ट कर सकती हो ही ये स्मली यानी बिना यानी बिना किसी स्माइल की बात पे उसने जैसे, जैसे बिना मतलब के स्माइल करते हैं वैसे स्माइल करते हुए उसकी बात का मीरा की बात का जवाब दिया डाउन स्टेयर्स एंड अदर क्यू यानी नीचे जाना पड़ेगा मुझे और जाके दूसरी लाइन में खड़े होना पड़ेगा ये मैंने मीरा ने सोचा एज अ स्टैंड इन इट और मैं जब काउंट उसमें खड़ी थी एंड ऑब्जर्व That not absolutely everyone sticks to the rules. तो मैंने एक चीज महसूस की कि कुछ लोग तो क्यू में खड़े होकर अपने सामान को कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन हर एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ए रिफ्लेक्ट अबाउट दिस्टम मुझे सिस्टम पर काफी गुस्सा आया वॉट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस ये कैसा सिस्टम है ना इधर हियर नॉर देयर सिस्टम ये कैसा अजीब सा सिस्टम है न इधर का न उधर का न, न मानने का न नहीं मानने का यानी कुछ लोग क्यों में खड़े हैं और कुछ लोग बिना के ही अपना काम करते जा रहे हैं यानी जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज़ टू द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज़ टू जिस तरीके का सिस्टम तुम यूज टू हो आई कलेक्ट माई पार्सल मैंने अपना पार्सल कलेक्ट किया हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन दिस्टम ऑफ ओपन बाजार फिर मैंने सोचा मैं अपनी लक ट्राई करके देखती हूँ एक ओपन बाजार में वहाँ क्या होता है एज आई गो जैसे ही मैं गई आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल्स क्लोज बाय जैसे ही मैंने जाने के बारे में सोचा तो वहीं पे ही मुझे पास में ही यानी डिपार्टमेंटल स्टोर में ही शूज़ और सैंडल का सेक्शन तो पास में ही दिखाई दिया आई हेजिटेट फॉर ऑनली ए फ्यू सेकेंड कुछ देर के लिए मैंने अपने पॉस किया कुछ सोचा रुकी एंड एज़ आई रिमेम्बर आई विल चूज़ द डाउन स्टेयर्स फिर मुझे एकदम से बात याद आई कि मैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई भी चीज़ चूज करूँगी वो नीचे करूँगी लेकिन मुझे पे करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ियों से कलेक्ट डाउन स्टेयर्स फिर कलेक्ट करने के लिए चीज़ें डाउन स्टेयर्स में वापस आना पड़ेगा एंड द सिस्टम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी और उसे ये सिस्टम अपने लिए काफ़ी मुश्किल लगा एंड आउटसाइड द सन शुगर किंग जूस फिर मुझे बाहर देखा मैंने <laughs> बाहर सूरज की रोशनी गन्ने के शरबत का जूस का स्टॉल्स जो स्ट्रीट स्टॉल्स सब मुझे ऐसा लगा मुझे बुला रहे हैं आई स्टेप आउट इन द क्राउडेड स्ट्रीट और जो मीरा है वो उसी वक्त ही उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पे चल पड़ी और उस चीज़ के लिए आई फॉलो अ फैमिली ऑफ फोर वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मेरे सामने चार लोगों की चार लोग जो हैं जिनकी चार फैमिली जो है एक जिसमें चार लोग थे वो मेरे सामने चल रहे थे मैं उनके पीछे पीछे चलते जा रही थी एंड सो क्लियरिंग द वे फॉर माई फ्री पैसेज जैसे मैं उनके पीछे पीछे जाके एक फ्री पैसेज जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ पहुँच गई सोन दे लीव टू क्रॉस द रोड धीरे से धीरे धीरे मैं उस जगह पर पहुँची जहाँ मुझे रोड क्रॉस करना था अबंडनिंग मी टू पार्ट पैरी माई ओन वे डाउन द स्ट्रीट और ऐसे चलते चलते मैं अपने उस रोड तक के पहुँच गई जो मुझे चाहिए था थ्रेडिंग थ्रू द टूरिस्ट और सभी टूरिस्ट को क्रॉस करते हुए शॉपर्स कई शॉप को क्रॉस करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स जो सब मुझे देख रहे थे एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप उन सब चीज़ों को देखते हुए और मैं भी इन सब चीज़ों को देखते हुए एक शू शॉप के सामने जाके पहुँची द फर्स्ट वन आई द फर्स्ट वन आई find बीयर्स अ साइन saying फिक्स price, मुझे एक शू का शॉप दिखाई दिया जिसके ऊपर एक टैग लगा था फिक्स प्राइस आई स्टॉप एंड स्माइल मैंने उसे देख के मैं रुकी और स्माइल की द शॉपकीपर इज क्विक टू नोटिस अभी मैं रुकी ही थी तो शॉपकीपर ने भी मुझे उसी सेकंड में फास्ट एकदम से नोटिस कर लिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ शूज परचेस करने में और उसने बोला प्लीज प्लीज यू कम इन और उन्होंने बोला प्लीज प्लीज आप अंदर आइए ही कॉल्स इन इंग्लिश और ये सब जो बोला उसने इंग्लिश में बोला आई एज आई स्टेप इन आई वंडर इफ देर इज समथिंग डिफरेंट इन माई डेमिनियर आर ड्रेस मुझे है हो रही थी मुझसे इंग्लिश में बात क्यों कर रहा है मुझे यह भी है क्या कुछ डिफरेंट है मेरे पहनावे में, कुछ कर पाया कि मेरे साथ उसे इंग्लिश में बात करनी है एंड एज थ्रू रीडिंग दैट मेक्स हेम एड्रेस मी इन इंग्लिश एंड एज दो द रीडिंग विद माई थॉट्स ही कंटिन्यूज इन हिंदी एज आई एंटर द शॉप पता नहीं फिर कैसे पहले तो उसने मुझसे इंग्लिश में बात की फिर पता नहीं शायद उसने कुछ मेरी सोच को पढ़ लिया कि मैं यही सोच रही हूँ और फिर उसने मेरे से हिंदी में बात करना शुरू कर दिया जैसे ही मैंने शॉप में एंट्री ली वॉट कैन आई शो यू मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ प्लीज़ सिट डाउन आप प्लीज़ बैठ चाहिए आई वॉक अराउंड द शॉप मैं उस शॉप में गोल घूम के देखा लुकिंग एट द चप्पल्स मैं चप्पल्स को देख रही थी आंड डिसाइड ऑन ए ट्रेडिशनल डिज़ाइन इन नेचुरल टेन और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन की चप्पल लूँगी जो कि मेरी स्किन के कलर से मैच हो आई वॉन्ट द शेड क्लोजेस्ट टू माई ओन स्किन मुझे ऐसा शेड का चप्पल चाहिए थे जो मेरी स्किन से मैच करे स्किन के कलर से मैच करे एसटिल एसिड डाउन एंड पुल्स डाउन अ पाई फॉर मी टू ट्राई ऑन और वो मेरे पास आके बैठ गया और उसने एक बहुत बड़ा ढेर निकाला चप्पलों का और ट्राई करवाने लगा एज अ स्लिप माई फीट इन एंड आउट ऑफ दैम जैसे ही मैं उन चप्पलों में अपने पैर डालने लगी और निकालने लगी और इंच दैम इन एंड पुल दैम आउट कुछ तो मुझे डालने में जाता फटाफ से निकल आता यानी ढीला रहता और कुछ जो है वो बहुत मुश्किल से अंदर जाते यानी कुछ टाइट थे चप्पल और कुछ बहुत ढीले थे ही बिजली टेल्स मी दैट दे आर ऑल फाइन और वो पूरी देर बात करने में मशगूल था वो कुछ भी देर चुप ना रहा वो पूरी देर बोलता रहा ये बहुत अच्छे हैं और मुझे ये अश्योर करवाता रहा कि ये सब के सब जो हैं जब मैं पहनूँगी तो कुछ श्रिंक हो जाएंगे तो कुछ स्ट्रेच हो जाएंगे कुछ ही टाइम में और मेरे फिट जैसे परफेक्ट हो जाएंगे इन गुड ह्यूमर्ड एक्स एक्सप्रेशन और उसके जो एक्सेप्रेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे एकदम नॉर्मल यानी इन इन गुड ह्यूमर यानी बहुत अच्छे से और प्रॉपरली मुझे एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा लेकिन जोश में एकदम ताकत के साथ एकदम मुझे समझाने के लिए मेहनत करता रहा वो फिर मैंने बोला एक्सक्लेम मैंने उसे समझाते हुए कहा अरे आई डोंट वॉन्ट दैम टू श्रिंक इन नो टाइम और स्ट्रेच मुझे ऐसा कोई चप्पल नहीं चाहिए जो कुछ टाइम में स्ट्रेच हो या श्रिंक हो और वाट एवर एल्स दे आर सपोज टू डू या व या जो कुछ हो उस चप्पल से होना है वो वॉट आई वॉन्ट मुझे जो चाहिए वो ये है टू टेक ऑफ माई ओल्ड वंस नाव एंड वॉक आउट विद दिस शॉप मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा चप्पल लूँ जिससे मैं अभी पहनूँ और पुराने निकाल के यहीं रख के जाऊँ और नए ले कर मैं यहाँ से पहन के जाऊँ विथ अ पेयर ऑफ न्यू वंस और मुझे ऐसी पेयर चाहिए चप्पल की जो मेरे पैर में एग्जैक्ट फिट हो जाए ना वो बड़ी हो ना छोटी वाई येस ऑफकोर्स हाँ हाँ क्यों नहीं डोंट वरी आप चिंता मत करिए मैं ले आता हूँ ये उस शॉपकीपर ने कहा आई हैव गॉट एन अदर काइन विच विल भी जस्ट फाइन मेरे पास एक बहुत अच्छे टाइप के चप्पल हैं और जो आपको बहुत पसंद आएँगे आई विल जस्ट गेट दैम फ्रॉम द अदर शॉप मैं अभी जाकर दूसरे शॉप से अपने ले कर आता हूँ लेट मी गेट आउट लेट मी गेट यू अ कप ऑफ टी मैं तब तक आपके लिए कप ऑफ टी भेजता हूं वाइल यू वेट जब तक आप इंतजार कर रहे हो तब तक आप यह चाय पी लेना बट आई डोंट बी वेरी लॉन्ग पर मुझे जाके चप्पल बॉक्स लाने में, में देर नहीं लगेगी श्योर इनफ हाँ हाँ क्यों नहीं द स्वीट टी इज नॉट इवन कूल इनफ टू ड्रिंक बिफोर ही रिटर्न जो, जो मीठी चाय थी चाय काफ़ी मीठी थी वो अभी इतनी ठंडी भी नहीं हुई थी और अभी मैंने इतना पीना भी शायद थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था कि वो वो जो आद, जो शॉपकीपर है वो वापस आ गया लेडन में यानी पूरे हाथ में ऐसे ढेर सारे पाइल ऑफ बॉक्सेस को लेके दिस इज़ वेरी बेस्ट उसने बोला ये बहुत अच्छी है वेरी फाइन बहुत अच्छी क्वालिटी की है ही सिस स्क्वाचिंग डाउन एंड ओपनिंग अप द बॉक्स वो अपने घुटनों पर बैठ गया जमीन पे और बॉक्सेस को ओपन करने लगा द वेरी फर्स्ट वन उसने जो पहली निकाली आई ट्राई ऑन फिट्स मैंने जैसे ही पहनी और वो मुझे फ़िट हो गई इट ना इधर स्क्वीज नॉर स्लिप ना ही वो फिसल के निकल रही थी ना वो टाइट थी ना वो ढीली थी बट जस्ट सिट्स कम्फर्टेबली ऑन माई फुट पर मेरे पैरों पर पे एकदम कम्फर्टेबल थी आई विल टेक दिस मैंने कहा मैं इसे लूँगी दे आर मच बेटर देन दर अदर वंस आई से other, other मैंने कहा ये दूसरी सभी चप्पलों से काफ़ी अच्छी है इस पर शॉपकीपर ने कहा अफकोर्स येस अफकोर्स ये जो है दीज आर द एक्सपोर्ट क्वालिटी ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की चप्पल है वट डज दिस दैट मीन तो यहाँ पे मीरा ने पूछा उसका मतलब क्या है एक्सपोर्ट क्वालिटी मीन्स क्या एक्सपोर्ट क्वालिटी वेरी बेस्ट क्वालिटी इस पे शॉपकीपर का रिप्लाई था एक्सपोर्ट क्वालिटी यानी सबसे अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी बहुत फाइन आउटसाइड सेंड क्वालिटी यानी देश के बाहर जो हम चीजें भेजते हैं ये वो क्वालिटी की चीजें हैं मैंने पूछा हाउ मच कितने का है उस शॉपकीपर ने जवाब दिया सेवेंटी रुपीज़ का इस पर मीरा ने कहा दैट्स एक्सपेंसिव ये काफ़ी महंगा है नो नो वेरी फ़ाइन ये ज़्यादा महंगा नहीं है ये फिक्स प्राइस एक्सपोर्ट क्वालिटी का है ये उसने रिपीट किया वॉट ब्रिंग्स अबाउट गिविंग मी अ वेरी फ़ाइन फिक्स प्राइस इस पर मैंने कहा इस पर क्या तुम दोगे मुझे बहुत अच्छा फिक्स प्राइस तुम मुझे नहीं दे सकते इस बात पे वो ही शफल्स उसने अपनी बात को बदला और कुछ ही मोमेंट में उसने कहा सो देन से सिक्सटी फाइव रुपीज़ ठीक है आप मुझे सिक्सटी फाइव रुपीज़ दे दीजिए आई डोंट और क्यू इस पर मैंने मीरा ने कुछ भी उस शॉपकीपर से और नहीं किया एंड ही लुक्स बिट रिलीव उसको अपना बेच उसने एक अपना कंफर्टेबली सेल कर ली थी चीज़ इस चेहरे इस बात से उसके चेहरे पर काफ़ी शांति दिखाई दे रही थी जबकि मीरा ने उसके पैसे उसके हाथ में दे दिए और एंड आई हैंड हिम द मनी एंड मैं और उसके जो ओल्ड हील वाले सैंडल्स थे वो भी वहीं दे दिए आई वॉक डाउन द स्ट्रीट वो और मेरा वॉक करते हुए स्ट्रीट से अपने पैरों को प्रॉपरली शफल करते हुए इधर उधर घुमाते हुए टू गेट द फुलीट और पैर पे एकदम कंफर्टेबल फीलिंग था उन न्यू चप्पल से मै हील्स ट्रैक अलॉन्ग द्राउंड उसके जो हील्स थे वो रास्ते पर ऐसे घसटते हुए चल रहे थे अब वो आई बिगिन टू इमेजन अब मैंने ये सोचना शुरू किया आई एम टूट एंड ऑलमोस्ट बिलोंग मैंने रास्ता लेना शुरू किया और मैं सोचने लगी द सिस्टम और नो सिस्टम क्या अच्छा है वो डिपार्टमेंटल स्टोर का सिस्टम या ये जो उसमें कोई सिस्टम नहीं है आई मेक माई वे टू अ पॉइंट और उस टाइम पर सोचते सोचते मैं एक रास्ते पर चल रही थी आई वुड बी मोस्ट लाइकली टू उस टाइम तक उस चलते चलते आई आई वुड मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ रिक्शा होम मैं एक रिक्शा ढूंढने लगी घर जाने के लिए आई पास अ कार्ट सेलिंग कार्ड्स उसी वक्त मैं कार्ट एक ठेले के पास से क्रॉस हुई जिसमें चीज़ें रखी हुई थी जिसमें कार्ड्स थे एंड एपसेंटली स्टॉप टू लुक एट डैम और बिना सोचे समझे मैं वहीं खड़ी हो गई और उनको देखने लगी वहाँ मुझे क्रिसमस कार्ड न्यू ईयर कार्ड दिवाली ग्रीटिंग बर्थडे कार्ड्स डिफरेंट काइंड्स काइंड और डिफरेंट स्टाइल्स के कार्ड्स दिखाई दिए इन वन सेक्शन देर इज़ अ पाइल मुझे एक सेक्शन में ढेर दिखाई दिया क्लियरली कैटरिंग फॉर द हिप्पी मार्केट बिल्कुल मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो कोई हिप्पी मार्केट हो वन ऑफ दैम अ फोटोग्राफ इन कलर मुझे एक कार्ड पर एक फोटोग्राफ्स दिखाई दिए जिसपे लॉन्ग फिगर वॉकिंग ऑफ एंड वे इन टू अ ट्रॉपिकल सनसेट एक उस पिक्चर उस पर ट्रॉपिकल सनसेट का पिक्चर दिखाई दिया द कैप्शन इन साइड उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था कार्ड के उसके अंदर लिखा था आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन द वे और उस कार्ड के अंदर जो एक कैप्शन लिखा था उसके अंदर जो लिखा था वो ये लिखा था मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ पर मैं जा रही हूं अपने रास्ते पे थ्री रुपीस। इस इसपे मुझे जो शॉपकीपर है जो जिस जो, जो कार्ड सेल कर रहा था उसने बोला तीन रुपए का है कार्ड उस आदमी ने कहा आई गिव दैम टू म एंड टेक माय कार्ड मैंने तीन रुपए दिए उसे और अपना कार्ड ले लिया आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन द वे फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था एंड नाउ आई एम ऑन द माई वे वे डाउन अब मैं, मैं भी नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ पर मैं अपने रास्ते पर जा रही थी और जाते जाते मैं एक रास्ते पर पहुंची जिसका नाम था दिल्ली के एक प्लेस का नाम था जनपथ इन माई चाइल्डहुड मैं अपने बचपन में इट इज़ यूज टू बी कॉल्ड क्वीन्स वे इस जनपथ का दूसरा नाम था जिसका नाम था वे रिटर्न एज वन वर्ड एक वर्ड में लिखा हुआ रहता था वी यूज़ टू कम डाउन here, हम बचपन में हमेशा यहाँ आया करते थे विथ आर पॉकेट मनी अपनी पॉकेट मनी लेके, to टू ड्रिंक द फोर बिडन शुगर जूस जो हमको बिल्कुल मना किया गया था कि शुगर केन जूस नहीं पीना है वो पीने के लिए हम यहाँ आते थे बाय सम आम पापड़ आम पट्टी जो होती है उसको आम पापड़ बोला जाता है वो परचेस करने के लिए एंड सी इफ वी कुड पिक अ ट्रिंकलेट या फिर हम देखते थे कोई सस्ता सा कोई ज्वेलरी कोई सस्ता सा कोई आइटम कोई चीज़ सामान कुछ लेस प्राइस वाली चीज़ परचेस करने के लिए आर समथिंग इन द टेंट स्टॉल्स ऑफ द तिब्बतियन रेफ्यूजीज वहाँ पे टेंट बने हुए रहते थे तिब्बतियन लोगों के रेफ्यूजीज़ के और उन टेंट स्टॉल में वो छोटे छोटे सस्ते सस्ते गहने बेचते थे उन चीज़ों को परचेस करने के लिए हम यहाँ आया करते थे द तिब्बतियन टेंट्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिगड शॉप और अभी वो जो तिब्बतियन टेंट्स थे वो ईंटों के बने हुए प्रॉपर शॉप बन चुके थे उसमें आयरन ग्रिल्स लगी हुई थी स्टिल से लेकिन अभी तक की वो जो चीज़ें बेच रहे थे वो सेम थी बीड्स बैबल्स यानी बैबल्स भी ट्रिंकलेट्स ही होते हैं छोटे छोटे सस्ते गहने बैंगल्स ब्रिक का बैग ब्रिक का बैग क्या ऐसे छोटे छोटे सामान बहुत सारे जिसके हम बोलेंगे ओल्ड फर्नीचर चाइना मेड फर्नीचर चाइना की चीज़ें इस टाइप की चीज़ें बिक रही थी अभी तक के वहाँ तक के पर मेरे दिमाग में उस चल रहा था बट इनफ फॉर टुडे मैं मैंने जो आज जो घूम लिया है जो मैंने आज शॉपिंग कर लिया था मुझे वो काफ़ी लग रहा था आज के लिए रिक्शा वेट्स वहां पे एक रिक्शा खड़ी थी आई गेट इन टू ड्राइव होम मैं उस रिक्शा में जाके बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी मैं सारी माय सारी फ्लटर्स इन द विंड मेरी साड़ी हवा में उड़ रही थी आई प्लेस माय फीट इन सच अ वे एज टू बी एबल टू एडमायर माय न्यू चप्पल मैंने अपने पैर इस तरीके से रखे थे जैसे कि मुझे अपने चप्पल बहुत पसंद आ रहे थे और मैं उनको देख पाऊँ एज वी गो अला और मेरे दिमाग में चल रहा था यानी मीरा के दिमाग में चल रहा था एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी इस तरीके से रिदम बना के वो बीट पे बोलने लगी गाने लगी आई स्टार्ट टू बीट अ रिदमिक टाइम विथ माई फूट अपने पैरों के साथ पैरों की आवाज़ करने लगी एक्सपोर्ट क्वालिटी जैसी एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूदिंग फिटिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी यानी बाहर भेजने वाली क्वालिटी जो है वो एकदम स्मूथ और प्रॉपर फिट वाली होम क्वालिटी यानी देश की जो क्वालिटी है पिंचिंग एंड स्लिपिंग पिंचिंग यानी टाइट है या स्लिप हो जाती है एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली सो एक्सपोर्ट क्वालिटी है जो एकदम स्मूथ है इस तरीके से अपने पैरों से रिदम करते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हुए गाते हुए पर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी इट इज़ रिटर्न बाय लीना ढिंगरा